चलिए द कंपोनेंट ऑफ अ डीबीएमएस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज कॉल्ड द रिकवरी मैनेजर. अ डीबीएमएस इंश्योर एटॉमिसिटी बाय अनडूइंग द एक्शंस ऑफ पार्शियल ट्रांजेक्शन. अगर कोई पार्शियल ट्रांजेक्शन है तो डीबीएमएस क्या करेगा, उस पार्शियल ट्रांजेक्शन के जितने भी एक्शन परफॉर्म हो चुके होंगे उसको अनडू करेगा. द डीबीएमएस मेंटेन्स अ रिकॉर्ड कॉल्ड अ लॉग ऑफ ऑल राइट्स टू द डेटाबेस. आपका डेटाबेस क्या करा होता है, एक लॉग फाइल मेंटेन करा होता है जिसमें तमाम राइट ऑपरेशन की डिटेल मौजूद होती है. The component of a DBMS responsible for this is called the recovery manager. Recovery manager जो हमारे पास component है DBMS का, that is used for atomicity. ठीक है, इस तरीके से database में आपको atomicity को maintain करना है. Consistency. Users are responsible for ensuring transaction consistency. ठीक है, आपकी transaction अगर multiple users जो है वो same file को access कर रहे हैं same time पे, तो आप किस तरीके से कंकरेंसी को मेंटेन कर सकते हैं अपने डेटाबेस में. मींस के हर किसी के अपडेट के बाद जो डेटाबेस का स्टेट है दैट शुड बी कंसिस्टेंट. फॉर एग्जांपल कंसिस्टेंसी क्राइटेरियन दैट माय इंटर अकाउंट ट्रांसफर ट्रांजेक्शन डज नॉट चेंज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट्स. डेटाबेस कंसिस्टेंसी इज द प्रॉपर्टी दैट एवरी ट्रांजेक्शन सीज अ कंसिस्टेंट डेटाबेस इंस्टेंस. इट फॉलोज फ्रॉम ट्रांजेक्शन एटॉमिसिटी आइसोलेशन एंड ट्रांजेक्शन कंसिस्टेंसी. ठीक है, कह रहे हैं कि हर ट्रांजेक्शन का ये राइट है कि वो जब भी किसी शेयर फाइल को एक्सेस करें तो उनको वो कंसिस्टेंट और अपडेटेड फाइल मिलनी चाहिए. सो दैट्स हाउ वी कैन अचीव द कंसिस्टेंसी. आइसोलेशन इज द दैट इवन थॉ ट्रांजेक्शन मे बी इंटरलीव द नेट इफेक्ट इज आइडेंटिकल टू एग्जीक्यूटिंग द ट्रांजेक्शन सीरियली. ठीक है, आइसोलेशन ये कह रही है कि हम पैरेलल ट्रांजेक्शन को किस तरीके से सीरियल ट्रांजेक्शन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ ट्रांजेक्शन टी वन एंड टी टू आर एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली, दोनों पैरेलल चल रही है. पैरेलल का मतलब ये कुछ टाइम के लिए अगर एक ही प्रोसेसर है तो एक टाइम पे एक ही ट्रांजेक्शन को चलाएगा, लेकिन कंकरेंटली का मतलब ये कि कुछ पहले टी वन देन टी टू, टी वन एंड टी टू एंड सो ऑन. द नेट इफेक्ट इज इक्विवेलेंट टू एग्जीक्यूटिंग टी वन फॉलोड बाय टी टू. पहले टी वन चलाया फिर टी टू, या पहले टी टू एग्जीक्यूट हुई देन टी वन. द डीबीएमएस प्रोवाइड्स नो गारंटी ऑफ इफेक्टिव ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन. ठीक है, कौन सा ऑर्डर, कौन सी ट्रांजेक्शन को किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है उसकी ऐसेज कोई गारंटी नहीं है. ठीक है, आपने पहले से एक सीरियलाइजेबिलिटी डिफाइन कर दी कि पहले एक ट्रांजेक्शन चलेगी और दूसरी और देन दूसरी. ड्यूरेबिलिटी इज डीबीएमएस यूजेस अ लॉग टू इंश्योर ड्यूरेबिलिटी. इफ द सिस्टम क्रैश बिफोर द चेंजेस मेड बाय अ कंप्लीटेड ट्रांजेक्शंस आर रिटन टू डेस्क द लॉग इज यूज्ड टू रिमेंबर इन एंड रीस्टोर दीस चेंजेस व्हेन द सिस्टम इज रीस्टार्टेड. अगेन दिस इज हैंडल्ड बाय द रिकवरी मैनेजर. ड्यूरेबिलिटी इज दैट कि डेटाबेस का जो स्टेट है या जो ट्रांजेक्शन कमिट हो गई है उनका स्टेट परमानेंटली फिक्स करके किस तरीके से आप डेटाबेस में अपडेट कर सकते हैं. ठीक है, इसके लिए भी आपकी लॉग फाइल यूज होती है जो कि मेंटेन कर रही हो कि कौन सी ट्रांजेक्शन कमिट हो चुकी है और उसका इफेक्ट इवेंचुअली हम जो है डेटाबेस में जाके अपडेट करेंगे. अगर इन बिटवीन आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है, आपकी ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो गई, रैम में कमिट हो रही थी, कमिट होते वक्त जैसे ही वो कमिट हुई लॉग फाइल में मेंटेन हो गई, अब वो डेटाबेस में पूरा अपडेट होने से पहले ही सिस्टम क्रैश हो गया ड्यू टू एनी रीजन, लेकिन वो जो चेंजेस हैं वो आपके डिस्क में राइट डाउन हो गई, मतलब रैम से हार्ड डिस्क में लोड हो गई, तो फिर जो लॉग फाइल है वो क्या करेगी, वो रिमेम्बर करेगी कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन कमिट हुई थी और ट्रांजेक्शन कमिट होने पर डेटाबेस के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को अपडेट करना है, तो उसी के अकॉर्डिंगली उस लॉग फाइल से रीस्टोर करेगी उस चेंजेस को और आपका सिस्टम जब रीस्टार्ट होगा तो डेटाबेस को अपडेट कर दिया जाएगा. सो अगेन जो कंपोनेंट यूज होता है ड्यूरेबिलिटी अचीव करने के लिए दैट इज रिकवरी मैनेजर. ट्रांजेक्शंस एंड स्केड्यूल्स. ठीक है, लेट सपोज हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए उन्होंने हमारे पास. ठीक है, एग्जाम्पल ये कह रही है आर ट्रांजेक्शन इज सीन बाय द डीबीएमएस एज अ सीरीज और लिस्ट ऑफ एक्शंस. ठीक है, जो भी एक्शंस परफॉर्म होने डेटाबेस उसको कैसे समझ रहा है कि कुछ लिस्ट ऑफ स्टेप्स हैं, कुछ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं या कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो होने हैं वन बाय वन, जिसमें रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म है जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेटाबेस पे आप परफॉर्म कर रहे होते हैं. तो कोई भी ट्रांजेक्शन का अल्टीमेटली जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो कोई ना कोई रीड और राइट ऑपरेशन होगा जो हम डीबीएमएस के ऑब्जेक्ट्स पे परफॉर्म कर सकते हैं. वी विल राइट दिस एज आर एंड डब्ल्यू. रीड के लिए हम आर यूज करते हैं और राइट के लिए हम W यूज करते हैं, और यहाँ पे हम उस ऑब्जेक्ट का नाम यूज करते हैं जिसको रीड या
राइट करवाना हो. समटाइम्स आर टी ओ एंड डब्ल्यू टी ओ, समटाइम हम इसको आर ट्रांजेक्शन रीड ट्रांजेक्शन एंड डब्ल्यू ट्रांजेक्शन राइट ट्रांजेक्शन. एंड ओ इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट जिसपे राइट और रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने. फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांजेक्शन है टी वन जो रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है ए, यानी कि रीड करो ए को, राइट करो ए को, रीड करो सी को, देन राइट करो सी को. अगेन वी हैव अनदर ट्रांजेक्शन विच इज टी टू जो कि रीड कर रही है बी को और राइट कर रही है बी को. इन एडिशन आवर ट्रांजेक्शन शुड स्पेसिफाई एज इट्स फाइनल एक्शन एदर कमिट और अबॉर्ट. और एट द एंड हमें ये भी मैंशन करना होगा कि ये ट्रांजेक्शन कमिट हुई है या अबॉर्ट हो गई है. ठीक है, तो ये हमारे पास आर स्केड्यूल. व्हाट इज एन स्केड्यूल? आर स्केड्यूल इज अ लिस्ट ऑफ एक्शंस फ्रॉम अ सेट ऑफ ट्रांजेक्शन. स्केड्यूल हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास ट्रांजेक्शंस में डिफरेंट स्टेप्स हैं जो हमें परफॉर्म करने, तो हम उनकी स्केड्यूलिंग कर दें कि कौन सा पार्ट पहले एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, तो हमने यहाँ पे कहा वेल फॉर्म्ड स्केड्यूल इज व्हेन वेयर द एक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन टी आर इन द सेम ऑर्डर एज दे अपीयर इन. लेट सपोज हमने कुछ ऑर्डर डिफाइन कर दिया, हमने कहा कि अगर पैरेलल ट्रांजेक्शन्स हैं, एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं और हर ट्रांजेक्शन में कुछ स्टेप्स हैं या कुछ एक्शन्स हैं जो हमें परफॉर्म करने, तो हम उनको स्केड्यूल कर दें. कैसे स्केड्यूल करें? फॉर एग्जाम्पल पहले रीड करो ट्रांजेक्शन वन विच इज ए, यानी कि ट्रांजेक्शन वन क्या कर रही है, ए को रीड कर रही है. राइट ट्रांजेक्शन वन ए, जो आपने रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया है, अब आप ए पे कुछ राइट कर परफॉर्म करें. लेट्स सपोज आपने कुछ चेंजेस करी हैं. देन फिर सेकंड ऑर्डर हमारे पास क्या है, रीड ट्रांजेक्शन टू बी, बी को रीड करें. फिर क्या करें, राइट करें, जो आपने बी को रीड किया, बी में आपने कुछ अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म किया और राइट करवा दिया बी को. ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है, राइट करो टी वन क्या कर रही है, सी को रीड कर रही है. And then T1 क्या कर रही है, रीड कर रही है C को. इज अ वेल फॉर्म स्केड्यूल. ठीक है, स्केड्यूल क्या है, वेल फॉर्म ने, क्योंकि हम एक ट्रांजेक्शन में पहले एक ऑब्जेक्ट को रीड कर रहे हैं, उसको राइट करवा रहे हैं, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को रीड कर रहे हैं, फिर राइट करवा रहे हैं, फिर तीसरे ऑब्जेक्ट को रीड कर रहे हैं, फिर राइट करवा रहे हैं. तो इसमें जो हमारे पास हमने स्केड्यूल किया है, दैट इज वेल फॉर्म्ड स्केड्यूल. अगर हम नेक्स्ट स्केड्यूल देखें, T1 क्या कह रही है, C को रीड करो. ट्रांजेक्शन T1 क्या कह रही है, राइट करो C को. Then read करो B को and transaction T2 write करो B को. Read करो A को and then write करो A को. Is not a well form schedule. ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास order change हो गया. हम क्या कर रहे हैं, A B C यहाँ पे sequential order में चला रहे हैं कि पहले transaction A आई तो A को read करा, write operation perform किया. फिर B आई, B को write करा, read करा, फिर write करा. C आई, read करा, write करा. यहाँ पे हमने order change कर दिया. हम कह रहे हैं कि पहले C को read write करो, फिर बी को रीड राइट करो एंड देन ए को रीड और राइट करो. अ कंप्लीट स्केड्यूल इज वन दैट कंटेन्स एन अबॉर्ट और कमिट एक्शन. ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपने ट्रांजेक्शन के स्केड्यूल में कमिट और अबॉर्ट भी मेंशन करें फॉर एवरी ट्रांजेक्शन दैट अकर्स इन द स्केड्यूल. अ सीरियल स्केड्यूल इज वन वेयर द एक्शंस ऑफ डिफरेंट ट्रांजेक्शंस आर नॉट इंटरलीव. पैरेलल स्केड्यूल में हमारे पास ट्रांजेक्शन का एक दूसरे को अफेक्ट करने का चांसेस मौजूद होते हैं, लेकिन सीरियल स्केड्यूल क्या है, जिसमें ट्रांजेक्शन आपस में एक दूसरे से ओवरलीव नहीं कर रही होती, इंटरलीव सॉरी. ठीक है, तो दैट इज द सीरियलाइजेबिलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन. हमें पैरेलल ट्रांजेक्शन को सीरियलाइज करना है, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सीरियलाइजेबिलिटी. A serializable schedule is a schedule whose effect on any consistent database instance is identical to that of some complete serial schedule. All different results assumed to be acceptable. It's more complicated when we have transactions that abort. We all assume that all side effects of our transactions are written to the database. Two actions on the same object if at least one of them is a write. ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमें कौन सी transactions को serialize करने की जरूरत है. अगर दो ट्रांजेक्शन शेयर अमाउंट ऑफ डेटा को एक्सेस कर रही हैं और जस्ट रीड कर रही हैं, तो कंसिस्टेंसी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, लेट सपोज मैंने एक फाइल शेयर किया आप लोगों के साथ, तो मैं कह रही हूँ कि आप सब उसको व्हाट्सएप पे मैंने शेयर कर दिया, मैंने कहा कि वो रीड ओनली है. ठीक है, नो वन कैन एडिट इट, पीडीएफ में मैंने सेंड कर दी, सो यू ऑल कैन जस्ट व्यू इट. सो रीड मल्टीपल ऑफ, अगर जो है वो ऑब्जेक्ट एक टाइम पे मल्टीपल
सेम शेयर अमाउंट ऑफ डेटा को अगर रीड भी कर रहे हैं, सो रीड ऑपरेशन डज नॉट अफेक्ट द कंसिस्टेंसी, फाइल के उस पर कोई चेंज नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर मैंने आपको जो है लेट सपोज एक फाइल दी वर्ड की और मैंने कहा कि ये मेरा लेट सपोज ये आपकी एफ आई पी की एवेल्युएशन का स्केड्यूल है, अब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, अगर एक फाइनल कर दिया और पीडीएफ फाइल कर दी, तो वो तो अनअपडेटेबल है, कोई चेंज नहीं करेगा उस टाइम पे, सब रिपोर्ट कर देंगे. सेम टाइम पे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक और फाइल दूँ और मैं कहूँ कि उसमें मैंने टेंटेटिव स्केड्यूल शेयर किया है, अब हर ग्रुप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको चेंज कर ले, तो अब जो फाइल आएगी मेरे पास उसमें बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसीज होंगी. हो सकता है आप जो टाइम दें उस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, या कोई दो स्टूडेंट या तीन स्टूडेंट या तीन ग्रुप्स एक ही सेम टाइम दे दें, तो इनकंसिस्टेंट स्टेट के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. तो प्रॉब्लम कब आती है, जब हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं. जब रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस वक्त सीरियलाइजेबिलिटी की इतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन जब कोई ट्रांजेक्शन में से कोई एक ट्रांजेक्शन भी राइट करे तो उस पर हमें जो है वो सीरियलाइज करना जरूरी है. We will now consider three ways in which a schedule involving two consistency preserving transactions can leave a consistent database inconsistent. Write read conflicts. ठीक है, अब हम वन बाय वन ये देखते हैं कि ये conflicts और inconsistency अकर कैसे होती है. ठीक है, let's suppose we have two transactions, transaction T1 and transaction T2. Transaction T2 reads a database object that has been modified by T1 which has not committed. Let's suppose ट्रांजेक्शन T1 ने रीड किया A को और राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया A को. उसके बाद हमने क्या किया, हमने ट्रांजेक्शन T2 को एग्जीक्यूट कर दिया. ठीक है, अब ट्रांजेक्शन T2 को जब हमने एग्जीक्यूट किया, हमने कहा रीड करो A को, राइट करो A को, रीड करो B को, राइट करो B को और कमिट कर दो. फिर उसके बाद ये T2 ने क्या किया, लेट सपोज A की जो वैल्यू थी जो इसने यहाँ पे जो भी राइट की थी उसको अपडेट कर दिया, और अपडेट करने के बाद इसने क्या कर दिया, चेंज कर दी वैल्यू ऑफ ए. एंड देन जब T2 कंप्लीट हुआ, T2 की ये सी हमारे पास स्केड्यूल था कि पहले रीड किया ए को T2 ने, राइट किया ए को, रीड किया बी को, राइट किया बी को और कमिट हो गया. तो जैसे ये कमिट हुआ सी, अब ये सी क्या बता रहा है कि ये जो चेंजेस हुई है ट्रांजेक्शन T2 ने जितनी भी चेंजेस किए हैं वो सारी की सारी चेंजेस हमारे पास कहाँ चली गई, डेटाबेस में जाके अपडेट हो जाएंगी. फिर उसके बाद क्या किया, अब ट्रांजेक्शन T2 को हमने कमिट करके एंड कर दिया, अब T1 का रिमेनिंग जो पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, वो रिमेनिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसमें वो रीड कर रहा है बी को, राइट कर रहा है बी को एंड देन कमिट कर रहा है. अब जब ये कमिट करेगा तो ऑलरेडी ए की वैल्यू T2 अपडेट करके राइट कर चुका है और कमिट कर चुका है, तो यहाँ पे T1 क्या कर देगा, उस वैल्यू को ओवरराइट कर देगा और हमारे पास इनकंसिस्टेंट वैल्यू आ जाएंगी, दो अलग अलग वैल्यूज. ट्रांजेक्शन T2 रीड्स अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन मॉडिफाइड बाय T1 व्हिच हैज नॉट कमिटेड. अब इस केस में T2 के पास A की वो वैल्यू आई जो कमिट नहीं हुई थी, तो इसी वजह से हमारे पास इनकंसिस्टेंसी आएगी, दैट इज कॉल्ड राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, डेबिट हुआ 100 फ्रॉम अ, हमने क्या किया, हमने यूरो 100 जो है वो डेबिट किया इस अकाउंट A से और क्रेडिट टू बी, और बी में वो चीज ऐड करवा दी. लेकिन इन बिटवीन ये काम होने से पहले T2 ने दोबारा से ए को रीड किया जो उसकी वैल्यू थी और फिर उसके बाद उसको चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद कमिट कर दिया. रीड ए एंड बी एंड एट 6% इंटरेस्ट. इसने कुछ दूसरे टास्क परफॉर्म किए, इसने ए को भी रीड किया, बी को भी रीड किया और उस पर 6% इंटरेस्ट दोनों पे लगा दिया. तो जब 6% इंटरेस्ट आया हमारे पास तो क्या हुआ, हमारे पास वैल्यू जो है वो चेंज हो गई और यहाँ पे जब अब ये कमिट होगा तो इट वुड बी डर्टी रीड. डर्टी रीड इज दैट क्या हमारे पास कहाँ चले गए हम. ठीक है, कमिट होने से पहले ही T2 ने रीड किया A को और उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया और कमिट कर दिया. और अब जब ये सब एडिट होने के बाद जब ये वाली ट्रांजेक्शन T1 का रिमेनिंग पोर्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये कमिट करेगा, तो ये कौन सी वैल्यू ऑफ A को कमिट करेगा, क्योंकि A की वैल्यू तो यहाँ पे अब चेंज हो गई है, A में 6% का इंटरेस्ट भी एड हो चुका है, तो दैट वुड बी कंसिडर एज अ डर्टी रीड. जी क्लास, यहाँ जिसकी वजह से हमारा डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाएगा. रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, अब हमारे पास दो ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन है T1 जिसने रीड किया A को, फिर हमने इस ट्रांजेक्शन को स्टॉप कर दिया, दूसरी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट की T2 जो कि रीड कर रही है A को और राइट कर रही है A को. ठीक है, तो ये दूसरी ट्रांजेक्शन ने A को रीड कर दिया, राइट कर दिया और कमिट कर दिया.
फिर क्या हुआ हमारे पास, हमने दोबारा रीड करवाया ए को, तो अगेन ए की ये वाली वैल्यू रीड होने के बजाय जो यहाँ पे राइट हुई थी वो हमारे पास शो होगी, और फिर हमने उसको राइट करके कमिट करवा दिया. ट्रांजेक्शन टी टू कुड चेंज द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट हैज बीन रीड बाय ट्रांजेक्शन टी वन. ट्रांजेक्शन टी वन ने जो वैल्यू को रीड किया था, ट्रांजेक्शन टी टू ने उसको चेंज कर दिया, रीड करके उस पर वैल्यू चेंज कर दी राइट ऑपरेशन और कमिट हो गया. व्हाइल टी वन इज स्टिल इन प्रोग्रेस, जबकि टी वन अभी स्टिल प्रोग्रेस में है. तो अब टी वन को आर ए की कौन सी वैल्यू मिलेगी, दिस वन और दिस वन, ये वाली वैल्यू मिलेगी क्योंकि ये कमिट हो चुकी है और ये कमिट नहीं हुई थी. तो फिर यहाँ पे हमारे पास टी वन अपडेटेड वैल्यू पे काम करेगा, विच इज अगेन अ प्रॉब्लम और इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम. सेकेंड हमारे पास क्या है, टी वन रीड किया ए को, टी टू ने भी रीड किया ए को, टी वन ने राइट किया ए को और कमिट कर दिया. अब जब ये इस पे एडिट करेगा तो इसको इस केस में क्या वैल्यू मिलेगी, ये हमने क्या कर दिया, ये हमने सीरियलाइजेबिलिटी कर दी कि रीड करो, पहले रीड ऑपरेशन कंप्लीट हो फिर राइट ऑपरेशन कंप्लीट हो. अगर रीड राइट होगा तो अगेन इनकंसिस्टेंसी के चांसेस होंगे, यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी के चांसेस नहीं होंगे. रीड किया ए को, रीड किया ए को, दोनों के पास सेम वैल्यू, राइट किया ए को और कमिट कर दिया, तो ये परमानेंटली डेटाबेस में चेंज हो गया. अब जब ट्रांजेक्शन टी टू राइट करेगी ए को तो इसको वो अपडेटेड वैल्यू मिलेगी जो टी वन ने कमिट की है. तो यहाँ पे हम इस तरीके से सीरियलाइज करके अपनी ट्रांजेक्शन को जो है वो उसमें कंसिस्टेंसी को ओवरकम कर सकते हैं. जी ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर है क्लास? ओके रीड राइट जो इससे पहले वाला था, रीड राइट कह रहे हैं अब्दुल्ला या राइट रीड कह रहे हैं? राइट रीड. ओके ठीक है, ये राइट रीड है हमारे पास. राइट रीड क्या कह रहा है कि एक ट्रांजेक्शन ने, जो पहली ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुई, उसने एक ऑब्जेक्ट को रीड किया और उसपे कुछ चेंजेस की, लेकिन उन चेंजेस को कमिट नहीं किया. जब कमिट नहीं किया तो वो डेटाबेस में जाके परमानेंटली सेव नहीं हुई. कहां सेव हुई, रैम पे. मीनवाइल दूसरी ट्रांजेक्शन ने रीड किया ए को और उसपे राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, डिफरेंट ऑपरेशंस किए और उसको कमिट कर दिया और एंड हो गई. अब ट्रांजेक्शन टी टू कंप्लीट हो गई, कमिट हो गई और इसने रीड किया ए को और उसकी वैल्यू को अपडेट करके चेंज कर दिया. लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि इसको मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं, ठीक है, मेरे पास ए की वैल्यू थी जब हमने रीड की तो 10, ठीक है, लेट सपोज 5 थी वैल्यू ए की. ट्रांजेक्शन टी वन ने क्या किया, राइट किया ए को, अपडेट किया 5 × 2, तो अब हमारे पास वैल्यू हो गई 10, बट दैट इज नॉट कमिटेड, कमिट नहीं हुई, डेटाबेस में जाके सेव नहीं हुई. फिर उसके बाद हमने इस टाइम पे टी वन को स्किप किया और टी टू को एग्जीक्यूट किया. अब जब हमने टी टू को एग्जीक्यूट किया, टी टू ने रीड किया ए को, तो इसको ए की क्या वैल्यू मिली, क्योंकि वो तो हमेशा कंसिस्टेंट वैल्यू उठाएगा ना जो डेटाबेस में स्टोर है, सो दैट इज 5. और इसने क्या कहा, राइट कर दिया 5, लेट सपोज 5 × 3 या a मल्टीप्लाई बाय 3, सो वैल्यू हो गई हमारे पास 15. 15 इज द वैल्यू. और फिर इसने क्या कर दिया, कमिट कर दिया. कमिट करते वक्त हमारे पास डेटाबेस में परमानेंट सेव हो गई वैल्यू a की 15. अब जब हम ट्रांजेक्शन t1 स्टार्ट करेंगे, अब t1 हो गई कमिट, तो अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं ए की, एक 15 और एक 10. तो जब कमिट होगा तो वैल्यू ऑफ ए इज 15 ऑलरेडी अपडेटेड इन डेटाबेस. तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि ये 15 ही रहने देगा या 10 ओवरराइट करेगा. सो दैट इज राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट, कि पहले राइट हुआ, एक ट्रांजेक्शन ने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया बट कमिट नहीं की, दूसरी ट्रांजेक्शन ने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, कमिट करके सेव कर दिया, और उसके बाद फिर जो टी वन का रिमेनिंग पोर्शन था वो एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद उसने कमिट कर दिया. सो दैट इज कॉल्ड द डर्टी रीड प्रॉब्लम, विच कॉज फ्रॉम द राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट. जब दो ट्रांजेक्शन
एक साथ एक जो है वो शेयर्ड फाइल को रीड राइट करवा रही है, एक ने कमिट नहीं किया दूसरे ने कमिट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पर रीड राइट प्रॉब्लम अकर होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट रीड और रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट अकर हो गया, अनरिपीटेबल रीड। अच्छा, ये हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, सो ये दैट इज कॉल्ड द अनरिपीटेबल रीड। हमने क्या किया, रीड किया ए को, रीड किया, राइट किया और कमिट कर दिया। अब जब कमिट कर दिया फिर दोबारा जब रीड किया तो अभी हमारे पास रिपीट नहीं होगा, जो प्रीवियस वैल्यू जो कमिट हुई थी ये उसको ही रीड करेगा। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे हमने रीड किया फाइव, रीड किया फाइव, राइट फाइव प्लस वन सिक्स, राइट फाइव माइनस वन इज इक्वल टू फोर, ए इज फोर, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, फोर। स्टार्ट में फाइव थी, जब हमने इसमें ऐड किया तो सिक्स, और जब माइनस कर रहे हैं तो इट वुड बी फाइव, लेकिन वैल्यू क्या आई हमारे पास, फोर। रीड करो ए को फाइव, रीड करो ए को फाइव, दोनों के पास वैल्यू है फाइव, एक इंक्रीमेंट कर रहा है एक डिक्रीमेंट कर रहा है। पहले इंक्रीमेंट हुआ सिक्स, जब सिक्स में से वन माइनस करें इट शुड बी फाइव, लेकिन हमारे पास क्या हुआ, इसने राइट ऑफ ए किया विच इज फाइव प्लस वन सिक्स और कमिट हो गया। मीनवाइल इसने राइट किया ए, जब इसने राइट किया ए तो इसके पास क्या वैल्यू थी, फाइव, जब इसने फाइव माइनस वन इज इक्वल टू फोर, अगेन इनकंसिस्टेंसी, दो अलग अलग वैल्यूज। राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट, राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ट्रांजेक्शन टी टू कुड ओवर राइट द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच हैज ऑलरेडी बीन मॉडिफाइड बाई टी वन, वेल टी वन इज स्टिल इन प्रोग्रेस, टी वन अभी प्रोग्रेस में, टी वन ने एक वैल्यू राइट की और अभी कंप्लीट नहीं हुई, कमिट नहीं किया। मीन वाइल उसी टाइम पे टी टू एग्जीक्यूट हुई, उसने अपडेट कर दी वैल्यू को, दैट इज कॉल्ड द ब्लाइंड राइट। टी वन ने राइट किया दिस वैल्यू एंड देन हमने टी टू को एग्जीक्यूट किया और राइट करवाया जीएमबी एंड राइट करवाया ब्रिटनी, अपडेट कर दिया, और फिर बाद में हमने अपडेट किया दिस वन। लेट सपोज हम कह रहे हैं ट्रांजेक्शन टी वन डब्ल्यू ब्रिटनी डब्ल्यू जीएमबी सेट बोथ सैलरीज एट यूरो 1 मिलियन। ट्रांजेक्शन टी टू क्या कर रही है, राइट कर रही है जीएमबी, राइट कर रही है ब्रिटनी, सेट बोथ सैलरीज एट डॉलर 1 मिलियन। सो ब्लाइंड राइट जब परफॉर्म हुआ, GMB gets euro 1 million and Britney gets dollar 1 million. ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा कि पहले ब्रिटनी को राइट करो, तो जब ब्रिटनी को हमने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, ट्रांजेक्शन T1 ने इसकी इसकी वैल्यू सेट क्या कर दी, यूरो 1 मिलियन। देन टी टू एग्जीक्यूट हुआ, टी टू ने क्या किया, डब्ल्यू जी एम बी की वैल्यू को क्या किया, डॉलर 1 मिलियन, और अपडेट कर दिया ब्रिटनी को, डब्ल्यू ब्रिटनी, और इसकी वैल्यू को क्या सेट कर दिया, डॉलर 1 मिलियन। तो हमारे पास ब्रिटनी की वैल्यू क्या हो गई, 1 मिलियन, और जीएमबी की वैल्यू क्या हो गई, डॉलर 1 मिलियन। लेकिन अब जब दोबारा हमने टी वन का रिमेनिंग पोर्शन एग्जीक्यूट किया डब्ल्यू जीएमबी, तो इसने क्या किया, ट्रांजेक्शन टी वन ने जीएमबी पे क्या किया, इसको यूरो 1 मिलियन पे सेट कर दिया। तो एक वैल्यू अलग दे रही है, एक वैल्यू अलग दे रही है, मतलब एक ऑब्जेक्ट की डिफरेंट वैल्यू है, एक ऑब्जेक्ट की डिफरेंट वैल्यू, क्योंकि दोनों ही राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट ऑर्डर में। सो दिस अगेन कॉज inconsistency problem. Serializability and abort. Things are more complicated when transactions can abort. अगर transaction in between बीच में abort हो जाए तो आपके पास और ज्यादा problems आना शुरू हो जाएंगी। वही first वाली example है, transaction T1 ने read किया A को, write किया A को, transaction T2 ने भी read किया A को, write किया A को, और A at 6% interest to A and B. A और B में 6% interest add करके कंप्लीट हो गई, कमिटेड हो गई, फर्स्ट ट्रांजेक्शन अबॉर्ट हो गई, खत्म हो गई, कैन नॉट अनडू टी टू, इट इज कमिटेड। अब क्या हुआ, ए और बी की वैल्यू अपडेट हो गई और टी टू ने क्योंकि कमिट हो गई थी, इसकी वैल्यू कैन नॉट बी अनडन, बट ये तो अबॉर्ट हो गया, इसने जो रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया था ये अबॉर्ट हो गया। लेकिन टी वन भी ए को रीड कर रहा है और राइट कर रहा है, टी टू भी रीड और राइट कर रहा है, लेकिन ट्रांजेक्शन टी वन के अबॉर्ट होने से पहले ही ट्रांजेक्शन टी टू ने ए पे राइट करके उसको कमिट कर दिया। अब ट्रांजेक्शन टी वन जब अबॉर्ट हुई तो उसके अबॉर्ट होने पर हम ट्रांजेक्शन टी टू में अब कोई चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि इट्स ऑलरेडी बीन कमिटेड।
ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग। लॉकिंग क्या कह रही है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। DBMS enforces the following locking protocol. Each transaction must obtain an S-shared log before reading. अगर तो कोई transaction read operation perform कर रही है तो उसके लिए कौन सा log होना चाहिए, S-shared log। कोई भी read करना चाहे read कर सकता है। It means the type of log is shared. जिस भी share file में S-shared log है, it means multiple transactions can read that file. And reading could not affect consistency and exclusive log before writing. लेकिन अगर कोई भी transaction किसी भी shared file पे write operation perform कर रही है तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको log check करना पड़ेगा। All logs held by a transaction are released when the transaction complete. अब एक transaction को एक log assign हो गया, यानी कि एक file को एक, let's suppose मेरे पास एक variable है या एक object है A, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ ए, अब अगर ट्रांजेक्शन T1 भी A को यूज करना चाह रही है और T2 भी, अगर दोनों मीन टाइम पे उसको रीड करना चाह रही हैं तो दोनों को शेयर लॉक मिल जाएगा। तो शेयर लॉक का मतलब ये है कि मल्टीपल ट्रांजेक्शंस कैन यूज दैट पर्टिकुलर फाइल फॉर रीड ऑपरेशन। लेकिन अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है A और उसको दो ट्रांजेक्शन राइट परफॉर्म करना चाह रही है या कोई एक भी राइट परफॉर्म करना चाह रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उस पर एक्सक्लूसिव लॉक लगा देंगे। एक्सक्लूसिव लॉक का मतलब ये है कि जब वो ऑब्जेक्ट पे कोई लॉक नहीं है तो कोई एक ट्रांजेक्शन जो पहले लॉक गेट कर लेगी उसको उस ट्रांजेक्शन के साथ हम लॉक कर देंगे। लेट सपोज T1 इज वर्किंग ऑन और राइटिंग ऑन ऑब्जेक्ट A, तो वो ट्रांजेक्शन लॉक हो गई अनदर ट्रांजेक्शन के लिए, तो हमने उसको लॉक कर दिया। T1 जब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कोई और ट्रांजेक्शन A को यूज नहीं कर सकता, बिकॉज T1 इज राइटिंग ऑन ऑब्जेक्ट A। जैसे ही T कंप्लीट होगी, T1 ऑल लॉग्स हेल्ड बाय अ ट्रांजेक्शन, जैसे ही T1 कंप्लीट हो गई उसका लॉक रिलीज हो जाएगा और वो जो शेयर्ड फाइल A है उसका लॉक क्या हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। अब कोई और ट्रांजेक्शन उसको एक्सेस कर सकती है। इफ अ ट्रांजेक्शन होल्ड्स एन एक्स लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक, अगर एक ट्रांजेक्शन ने एक्सक्लूसिव लॉक होल्ड किया है on an object, no other transaction can get a log S or X on that object. अगर तो exclusive lock लग गया है किसी भी object पे, तो कोई और transaction उस object को for the time being use नहीं कर सकती जब तक वो first वाली transaction complete नहीं हो जाती। Strict 2PL allows only serializable schedule. So that is called two phase locking. Shared or exclusive lock. अगर आपके पास reading आप perform कर रहे हैं तो shared lock लगेगा, means multiple transactions can use that particular shared file. Exclusive lock means only one transaction at a time can get the log for that particular share value. If a transaction hold an X lock, agar exclusive lock ek object pe hai to koi aur transaction us same object pe S shared ya exclusive lock get nahi kar sakta. Ye bahut important concept hai when we are talking about the serializability. More refined logs are some updates that seems at first sight to require a write X log can be given something weaker. Let's suppose consider a seat count object in a flight database. Flight ki database hai jisme hame seat ko count karna hai ki kitni seats available hain. There are two transactions that wish to book a flight. Do transaction ek flight ko book karna chah rahi hain. Get X log on seat count. Does it matter in what order they decrement the count? They are commutative actions. Do they need a write log? अब वो दोनों ने एक टाइम पे ही अटेम्प्ट किया है, एक सीट अवेलेबल है और दो यूजर्स को वो सीट चाहिए और दोनों ने सेम टाइम पे एंटर किया है, तो फिर हम उसको किस तरीके से किसको देंगे और किसको नहीं देंगे और कौन सी ट्रांजेक्शन उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट कर सकती है। इफ अ ट्रांजेक्शन TI इज अबॉर्टेड देन ऑल एक्शंस मस्ट बी अंडन। ये हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं और ये की पॉइंट्स क्या कह रहे हैं कि अगर एक ट्रांजेक्शन जो है वो अबॉर्ट हो जाती है तो उसके तमाम एक्शंस मस्ट बी undone. Also, if TJ reads object last written by TI, then TJ must also be aborted. ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर एक ट्रांजेक्शन T1 है जो abort हो जाती है तो उसके तमाम के तमाम actions undone हो जाएंगे, मतलब initial level पे आ जाएंगे transaction start होने से पहले। और अगर एक और transaction TJ वो object read कर रही है जिसको T1 ने abort होने से पहले update किया था, तो फिर TJ भी अबॉर्ट हो जानी चाहिए क्योंकि उसके पास भी, क्योंकि प्रीवियस वाली जो ट्रांजेक्शन है जिसने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया था वो अबॉर्ट हो गई, तो नेक्स्ट वाली को भी अबॉर्ट हो जाना चाहिए।
जी क्लास, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? द लॉग, द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द लॉग. टी आई राइट्स एन ऑब्जेक्ट, एक ट्रांजेक्शन एक ऑब्जेक्ट को राइट करेगी, स्टोर न्यू एंड ओल्ड वैल्यूज. टी आई कमिट्स और अवॉर्ड, स्टोर जस्ट अ रिकॉर्ड. लॉग में कब वैल्यू जाएगी? जब कोई कमिट या अवॉर्ड ऑपरेशन परफॉर्म होगा. जब कोई राइट ऑब्जेक्ट राइटिंग हो रही है, स्टोर न्यू एंड ओल्ड वैल्यूज. जब भी कोई ट्रांजेक्शन कमिट और अबॉर्ट हो रही है, आप क्या करें? रिकॉर्ड मेंटेन करें, ताकि आपके पास उसकी लॉग फाइलों के क्या क्या चेंजेस हुई थी. लॉग रिकॉर्ड्स आर चेन्ड टुगेदर बाय ट्रांजेक्शन आईडी, सो इट्स इजी टू अंडो अ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन. लॉग इज ऑफन डुप्लेक्स एंड आर्काइव्ड ऑन स्टेबल स्टोरेज, इट्स इंपॉर्टेंट. कनेक्शन टू नॉर्मलाइजेशन, कनेक्शन टू नॉर्मलाइजेशन क्या कह रही है? द मोर रिडंडेंसी इन अ डेटाबेस, द मोर लॉकिंग इज रिक्वायर्ड फॉर अपडेट ट्रांजेक्शन. ठीक है, जितनी ज्यादा रिडंडेंसी होगी डेटाबेस में, आपको उतने ज्यादा लॉक रिक्वायर्ड होंगे और उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी. एक्सट्रीम केस, सो मच रिडंडेंसी दैट ऑल अपडेट ट्रांजेक्शन आर फोर्स टू एग्जीक्यूट सीरियली. तो जितनी ट्रांजेक्शन होंगे, आपको उन सबको सीरियलाइज करना पड़ेगा. तो जितनी ज्यादा सीरियलाइजेशन होगी, उतनी ज्यादा हमारे पास सीरियलाइजेबिलिटी करनी पड़ेगी और उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी. इन जनरल, लेस रिडंडेंसी अलाउज फॉर ग्रेटर कंकरेंसी एंड ग्रेटर ट्रांजेक्शन थ्रूपुट. दिस इज व्हाट नॉर्मलाइजेशन इज ऑल अबाउट. तो वो कह रहे हैं कि अगर आपका डेटाबेस नॉर्मलाइज होगा, फर्स्ट एन एफ, टू एन एफ, थ्री एन एफ, जितना ज्यादा हाई लेवल ऑफ नॉर्मलाइजेशन आप अचीव करेंगे, उतने कम लॉक आपको रिक्वायर होंगे और उतने ही जो है वो एफिशियंट आपकी ट्रांजेक्शन परफॉर्म होंगे. नहीं, लॉग इज नॉट टाइम स्टैम्पिंग, टाइम स्टैम्पिंग इज अनदर कॉन्सेप्ट. टाइम स्टैम्पिंग ये कर रही है कि हम हर आने वाली ट्रांजेक्शन को एक टाइम दे दें और उस बेसिस पे हम डिसाइड करें कि कौन सी ट्रांजेक्शन की प्रायोरिटी ज्यादा है और कौन सी ट्रांजेक्शन की प्रायोरिटी कम है, उसी बेसिस पे उसको एग्जीक्यूट करें. लॉग फाइल क्या कर रही है? हर टाइम जब कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है. तो लॉग तो हर हाल में मैंडेटरी है, जो हर ट्रांजेक्शन का परफॉर्म हो रहा होगा. लेकिन टाइम स्टैम्पिंग इज अ टेक्निक टू अवॉइड इनकंसिस्टेंसी स्टेट ऑफ डेटाबेस. जी, यहाँ तक कोई सवाल? अभी इसके कुछ और कॉन्सेप्ट भी हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, इसमें से जो चीजें हम पढ़ चुके हैं वो हम स्किप कर देते हैं कुछ यहाँ पे. ठीक है, लेट्स सपोज ये वाली हमारे पास ट्रांजेक्शन है, जहाँ पे शेयरिंग हो रही है आपको ये वाली फाइल. ठीक है, दो ट्रांजेक्शन है हमारे पास. लेट्स सपोज एक ट्रांजेक्शन टी वन है जो बिगिन है हुई, स्टार्ट हुई, ए की वैल्यू कर रही है ए प्लस 100 एंड बी इज इक्वल टू बी माइनस 100, यानी कि ए में से 100 अमाउंट डिडक्ट करके बी में एड कर रही है और एंड हो गई. ट्रांजेक्शन टी टू स्टार्ट हुई और इसने क्या किया, ए की वैल्यू पे इंटरेस्ट अप्लाई कर दिया, ए मल्टीप्लाई बाय 1.06, B is equal to 1. दोनों अकाउंट पे वही एग्जाम्पल है जो हमने अभी पीछे देखी थी. द फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज ट्रांसफरिंग 100 फ्रॉम बी अकाउंट टू ए अकाउंट. द सेकेंड इज क्रेडिटिंग बोथ अकाउंट विद अ 6% इंटरेस्ट पेमेंट. देयर इज नो गारंटी दैट T1 विल एग्जीक्यूट बिफोर T2 और वाइस वर्सा. ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि इनमें से ये वाली ट्रांजेक्शन पहले एग्जीक्यूट होगी या ये वाली पहले एग्जीक्यूट होगी. इफ बोथ आर सबमिटेड टूगेदर, However, the net effect must be equivalent to these two transactions running serially in some order. लेकिन हमें ये define करना है कि इन transaction को हम किसी ना किसी serial order में execute करेंगे. Example, अब ये क्या कर रहे हैं, इसको break कर रहे हैं, serialize कर रहे हैं. T1 पे हमने कहा कि transaction T1 execute हुई, इसने A की value 100 add की. उसके बाद T2 ने क्या किया, A की value को पे 6% interest apply कर दिया. फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन T1 दोबारा से एग्जीक्यूट हुई, B इज इक्वल टू बी माइनस 100, फिर हमने B में चेंजेस की और फिर हमने कमिट कर दिया. दिस इज सीरियलाइजेबल बट द फॉलोइंग इज नॉट. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो सीरियलाइजेबिलिटी है, एक को रीड किया, अपडेट किया और फिर T2 ने भी उसी को राइट कर दिया, फिर B को हमने अपडेट किया, राइट किया, फिर सेकेंड ट्रांजेक्शन ने भी उसको राइट किया, तो ये सीरियलाइजेबिलिटी ठीक है. लेकिन जो नीचे वाली ये वाली एग्जाम्पल देखें, इसमें क्या हो रहा है. ठीक है, एक 100 हमने रीड किया, ए को अपडेट किया, एक ए में 100 ऐड कर दिया और हमने क्या किया, ए पे 6%
इंटरेस्ट लगा लिया, ठीक है यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन फिर हमने क्या किया, हमने बी पे इंटरेस्ट लगाया और कमिट कर दिया, फिर उसके बाद हम बी में से माइनस कर रहे हैं 100, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आना शुरू हुई इनकंसिस्टेंसी की। और डीबीएमएस कैसे व्यू कर रहा है, सेकंड स्केड्यूल को रीड किया ए को, राइट किया ए को, फिर रीड किया ए को, राइट किया ए को, रीड किया बी को, राइट किया बी को और कमिट कर दिया। देन फिर इसने दोबारा रीड किया बी को, राइट किया बी को और सी वन। अब जब इसने ये रीड किया तो उस टाइम पे ट्रांजेक्शन टी टू जो है वो ऑलरेडी अपडेट कर चुकी है बी का स्टेटस, जबकि ये रीड करेगा किसको, जो यहाँ पे इनिशियल रीड की वैल्यू थी उसको, और उसकी बेसिस पे कमेंट करेगा। तो हमारे पास चांसेस ऑफ इनकंसिस्टेंसी है, जो हमारे पास जो करेक्ट वैल्यू है जो इस ट्रांजेक्शन ने अपडेट किया वो इस ट्रांजेक्शन की वजह से मिस हो जाएगी और नई वैल्यू आ जाएगी। एनोमलीज विद इंटरलीव एग्जीक्यूशन, अब क्या होगा, ये सारी हम देख चुके हैं, डर्टी रीड्स, अनरिपीटेबल रीड्स, रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट, राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट, अबॉर्टिंग एंड ट्रांजेक्शन, सपोर्ट फॉर ट्रांजेक्शन एंड ठीक है, द क्रैश रिकवरी ठीक है। इसमें एक और फाइल मैं आपको दिखाती हूँ, ये दोनों फाइल्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी एलएमएस पे, वर्ड की फाइल ठीक है। इसमें कुछ कंप्लीट प्रॉब्लम्स हैं ट्रांजेक्शन की, ये तो एलएमएस पे अपलोडेड है, ये कंकरेंसी कंट्रोल वाली फाइल एलएमएस पे अपलोडेड है, ये बाकी दो जो पीपीटी फाइल्स हैं ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अच्छा मीटिंग भी एंड होने वाली है हमारे पास, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा से फॉरन से ज्वाइन करेंगे विदाउट एनी डिले, और मैं अटेंडेंस भी लूंगी फिर।